ई लाइब्रेरी लवर पिंडी नवाज शरीफ पार्क में मलक शेर अफजल साहब जो कि चीफ लाइब्रेरियन है यहाँ पे, और इन्होंने माशाल्लाह से 10 माह के अंदर लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए और आवाम को इसमें भरपूर तरीके से शामिल करने के लिए बच्चों से लेके स्कॉलर्स तक नौजवान और खातिन हर तबके फिक्र के लोग अपने अपने स्टडी के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको इन्वाल्व किया है और उनके लिए मुसलसल सहूलियात के लिए कोशां भी है। तो मलिक साहब ये बताइएगा कि अभी तक आपने ये जो मेंबरशिप का सिलसिला शुरू किया है इसमें क्या फिक्र हुए हैं और क्या टारगेट क्या है? इसमें सर थोड़ा सा मैं इसका इनिशिएटिव स्टार्ट में बताना चाहूँगा। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का था और इसमें जो मेन रोल था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पंजाब सपोर्ट डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी, टूरिज्म और इनकी एक कोलैबोरेशन से ये लाइब्रेरियन स्टार्ट हुई और 2 अप्रैल को इसका वीडियो लिंक के जरिए पूरे पंजाब में ये 20 लाइब्रेरीज इनागोरेट की गई। और इसके अंदर जो जिस तरह का आप सेटअप यहाँ देख रहे हैं इसी सेटअप में बेशमूल जो आप जनूबी पंजाब है उसके अंदर आप देखें तो डीजी खान में ये लाइब्रेरी बनी है, रहीम यार खान में बनी है, बहावलपुर में बनी है, बकर में ये लाइब्रेरी बनी है, मियाँवाली में है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर ये लाइब्रेरी है, गुजरांवाला गुजरात के अंदर है, लाहौर के अंदर है, पिंडी में आप देख रहे हैं। तो ये 20 लाइब्रेरीज अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो 3000 फिजिकल किताबें मौजूद हैं और 30 लैपटॉप हैं, जिन मेंबर्स के पास लैपटॉप नहीं होते तो उनको हम अपना लैपटॉप देते हैं दौरान स्टडी, वो उसके बाद फिर अपना वो वापस करते हैं। 15 टैबलेट्स हैं हमारे पास। इसी तरह जो आपने मेंबरशिप का पूछा, इसकी सबसे बड़ी इन लाइब्रेरियों की जो खासियत है वो ये है कि इनकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप फ़ीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो माशाल्लाह सारी लाइब्रेरीज अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रही है। तो हमारी जो मेंबरशिप है वो 3092 पे चली गई है, तो जो इन 10 माह के अंदर। इसके अलावा हम तकरीबन जो हमारे पास एक खूबसूरत एडिटोरियम है उसके अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हमने पब्लिक को ऐसा अट्रैक्ट किया है कि हर तरह के सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, जिस तरह आपने विजिट किया हमारी स्लाइड्स भी चल रही हैं तो उसमें आपने देखा है कि हम 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवा चुके हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक जो बड़ी अहम चीज़ है वो आपके चैनल के वसाते से बताना चाहता हूँ कि ई लर्न पंजाब का डाटा है, उसकी ऐप है, तो वो अभी आप अपने स्मार्ट मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर क्लास 6 से लेके 12 क्लास तक जो स्टडी है साइंस और मैथ के सब्जेक्ट की वो थ्रू ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन के जरिए पढ़ाया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान लास्ट आइटम हमारे पास मौजूद है जो पाकिस्तान के अंदर जितने डिसाइडेड केस हैं 70 ईयर्स के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबों की फेडरल ब्रांच जो कैपिटल है इस्लामाबाद की, तो इसके डिसाइडेड केस हमारे पास लॉयर की एक अच्छी तादाद आती है, उसको हम थ्रू ईमेल भी सर्विस देते हैं। जब हमें अपना वो नंबर बताते हैं केस का तो हम उसको केस का डिसीजन तक बता देते हैं। रिसर्चर्स के लिए HEC के डेटाबेस हमारे पास सारे मौजूद हैं तो वो हम उसको उनको भी सर्विस देते हैं इसी तरह। इसके अलावा हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा जो बुक्स है वो पंजाब डिजिटल हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर सॉफ्ट फॉर्म में है और डे बाई डे इनमें इंक्रीज हो रहा है। और इसमें जो है अब कई आर्काइवल हम इस पर डाल रहे हैं, वे हमें किताब जो अच्छी किताबें कोई गिफ्ट करते हैं उनसे हम राइट्स लेके वो भी उसके अंदर डाल रहे हैं, तो डे बाई डे इसके अंदर इजाफा होता है। प्रेस क्लिपिंग इसमें डाल रहे हैं, मुख्तलिफ अखबार के जो है आर्टिकल हैं जो करंट अफेयर पे हैं, खासकर PCS और CSS के बच्चों के लिए, तो वो एक जगह उनको एक सब्जेक्ट के आर्टिकल एक जगह मिल सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके शाम 5:30 तक है।